बारिश पड़ी है। आज वो गॉड, और मैंने जैसे भी नहाया और इसलिए मैंने स्वेटर पहना है क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है आज यहाँ पे और इतना बारिश हो रहा है। सुबह से ऐसी गनगन लगा रखी है इस बारिश ने, मैं क्या बताऊँ गाइस। बारिश तो नहीं कम होने वाली है शायद, अभी भी बहुत तेज बारिश हो रहा है। पर एक गुड न्यूज़ मेरे को, अभी भी मौसी का फोन आया था तो उनने मेरे को दी है, मेरे को बोला है कि नानी यहाँ से निकल गई है, मतलब हल्द्वानी से गाड़ी में बैठ गई, तो नानी आज आने वाली है। सो आई एम सो हैप्पी कि नानी आने वाली है आज, फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर हम बस बैठे रहेंगे। और कल मैं हल्द्वानी वापस चले जाऊंगी शायद। क्या चल रहा है बताओ? बन गया खाना पीना? वाह मम्मी आज मौज कर दी आपने। हाँ तो अब आप ही हमें पका के खिलाने वाले हो, आज हम बैठ के खाएंगे ना। लक्ष्मी बता आज हम बैठ के खाएंगे ना। हाँ बोल, आज हम बैठ के खाएंगे। आज हमें मामी पका के खिला रही है। सब भाग गए, मुकेश के लिए झड़ा रहे होंगे यार वो चुपके चुपके से। प्रॉब्लम हो गई है बताओ। मामी क्या प्रॉब्लम? मामी बेइज्जती कर रहे हो आप। मामी को ना एक मौका मिलना चाहिए, मामी बेइज्जती करने लगी। एंड गाइस जस्ट सी द व्यू। हम देखते हैं गायों ने घास खाया नहीं खाया। नानी खोल दरवाजा, खोल, कितना खाया इन लोगों ने। ओ भैंस को तो दिया क्या बाबा, पूरा झाड़ इसने। नानी खान खाना मस्त आ रहा भैया, भैंस तो ये तो हर रोज है खित्या। कितना नानी, सिर्फ हरा ही हरा डाला है इस पे और भी। आज तो अब आप आई गए ठहरे। अब हमकला मान रहा हूँ ये बच्ची बिचार गया गौरासा पटड़ान, हम की अंदाज है गौरासा पटड़ान ने। हम वो तो हर जगह घास पे जाना है कि ना वहाँ ये दीदी से कुछ नहीं, मैं तो खेत खेत को नहीं, मैं मेरे को मना कि नहीं हो। अभी बारिश रुकी है और आज हमारी सुबह मॉर्निंग आम खाने से नहीं हुई है, तो अब हम ना आम खाने जा रहे हैं। और लक्ष्मी ना इस बार पॉली लेके आई है हाथ में, कहती मेरा सूट खराब है, पॉली दिखा दे का छुपा रहे। लुका दिए गाइस इसने अभी पॉली, अभी हम ले इतने बड़े पत्थर तो लाई है। स्टार्ट, छक्का लगा दिया लक्ष्मी ने कत्ते ही, एक भी नहीं चढ़ा अभी। गाइस जब बारिश होती है कुछ इस टाइप का मौसम हो जाता है। सफ़ेद हॉल है ये, जितना जितना पास को आते रहेगा उतना उतना बारिश आती रहेगी। अभी तक तो सामने का कुछ दिख भी रहा था, पर अभी हम सामने कहीं भी देख ले अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि बारिश आ रही है। अब बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। कल मैं थोड़ा शूट नहीं कर पाई क्योंकि एक तो बैटरी नहीं थी फ़ोन में और यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है। ये जो व्लॉग्स हैं ये मैं घर में जाके अपलोड करूँगी, तो आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। और मैंने इसलिए शूट नहीं कर पाई कल दिन से क्योंकि दिन में हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और कल हमारा काम तो कुछ नहीं था, तो फिर मैं ऐसे सो गई थी रात को, तो इसलिए मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई और थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी। पर नाउ आई एम फाइन और आज मैं वापस जा रही हूँ घर। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, नैनीताल ज़िले के ओकुलकाटा ब्लॉक में आता है और इसका नाम है अधौड़ा। और ये हल्द्वानी की जो मेन सिटी है वहाँ से 120 किलोमीटर दूर है, और मतलब अगर भीमताल के रास्ते आते हैं तो 120 किलोमीटर दूर है, और अगर हम हेड़ा खान वाले रास्ते से आते हैं तो थोड़ा पास में पड़ जाता है, मिनिमम 96 में हो जाता है 90। और आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। और अभी मैं रेडी हो रही थी और आज जब मैं उठी थी ना तो बहुत बारिश हो रहा था उस टाइम पर अभी तो नहीं है, अभी गाँव में मौसम बहुत सही हो रहा है। ये
गाइस फाइनली अब मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे, और जो गाड़ी डर ना उधर पहुँच गई, अभी वो आएगी मेरे को लेने के लिए। अब उसको उधर जाना है, फिर वो आएगी मेरे को लेने के लिए, मेरे को रोड में छोड़ने के लिए मेरी नानी आई है। गाइस ये जो ग्रीन सा दिख रहा है ना, इधर है घर, और ये जो ये वाला घर है ठीक है, ये नीचे वाला, और ये जो रोड है पूरे वहाँ पे गई है, तो इसीलिए रोड में। और लक्सू से ना मैं बिना मिले आ गई थी, क्योंकि लक्सू गिजार गई हुई थी उस टाइम में घास काटने के लिए। तो अभी मैं देख रही हूँ कि नीचे से टुकुर टुकुर कोई आ रहा है मेरे को बाय बाय बोलने के लिए। आई थिंक वो कुछ सामान भी लेके आई है, तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। मैं नानी ने मेरे को अचानक से बताया, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ये छोड़ना नहीं चाहिए। बताने लक्सू ये क्या लेके आई है मेरे लिए, लेके आई है क्या? गाइस गाड़ी पूरी खाली है, मैं आराम से जाऊंगी, कोई टेंशन नहीं है सीट की। यही नमस्कार, 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 ठीक है, बाय ठीक है, बाय बाय लक्सू, बाय। नहीं नहीं मामा, प्रकाश मामा की, बाय।